कारगाज लौटा है आपकी यूट्यूब चैनल टी के टीच में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे लिखने का तरीका आपकी राइटिंग इंक्रीज कैसे होगी ये हम आपको बता के ये वीडियो लाए हैं दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने एक लाइन मतलब नीचे भी अपनी सेम है और ऊपर भी लाइन सीधी ऐसे मास्तों मैंने यहाँ पे लिखा खान तो अगर आपने डंडी आप ऐसी की तो कितना बेकार लग रहा है आपको देखो अक्षर यहाँ पे सीधे नहीं मिल रहे हैं इसी प्रकार से अगर आप ऐसा लिखते हैं दोस्तों आप कई कई लोग ऐसा कर देते एक डंडी बड़ी कर देते हैं एक ऐसी कर देते हैं फिर ऐसा कर देते तो भाई दोस्तों बहुत बेकार राइटिंग अपनी लगने लगती है जिस प्रकार से अपन ने ये लिखा ऐसे लिखना है ठीक है दोस्तों और आपको और आप क्या करते हैं कि आप इनमें गैप छोड़ देते हैं दोस्तों आप यहाँ गैप नहीं छोड़ें जहाँ गैप छोड़ें वहीं से लिखना शुरू करें तो आप कैसे कटे कटे से नहीं लगेंगे दोस्तों आप और हमेशा सीधी खींचिए डंडे देखो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने बिल्कुल सीधी खींची है और दोस्तों आप अगर ऐसे खींचेंगे आप जैसे मैंने रखा अपनी अगर आप ऐसा कर देते हैं तो कितना बेकार लगेगा इसी प्रकार से अगर आप सीधी ऐसे खींचते हैं और अक्षर सीधे आप डंडी जैसे ना बनाने को सीधी खींचे और नीचे लोग सेम आनी चाहिए और डंडी जाले लोगों को सीधी जानी चाहिए और इससे आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और आप पूरा सेंटेंस पढ़कर लिखिए जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है दूसरों से हमें कुछ सीखना चाहिए तो दोस्तों आपको ये नहीं लिखना है कि आप दूसरे एक एक अक्षर टीप के लेंगे तो आपकी जो राइटिंग है इंक्रीज़ तो होती है लेकिन आप क्या धीमे धीमे लिख पाते हैं और आपका पेपर छूट जाता है दोस्तों आपको पूरा वाक्य पढ़ना है फिर लिखना है दोस्तों हमेशा खुश रहना चाहिए दोस्तों आपको लिखना है फिर हमेशा खुश रहना चाहिए और दोस्तों आपको इसी प्रकार से अपनी राइटिंग इंक्रीज करनी है और दोस्तों और आप किसी भी संबंधित पढ़ाई की चीज़ क्लास ट्वेल्थ कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और राइटिंग में जो भी आपको कमी लगे आप वो बता सकते हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए वाई